ऑफ मेट्रिस में ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास जरूरी नहीं है कि सेम आए ठीक है बिल्कुल इसी तरह जब हम एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमेशा ये लॉ होल्ड करते हैं ठीक है ये जो स्टेटमेंट है ना ए बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी सी ये हमेशा होल्ड करती है इसके लिए हम ऐसे करते हैं लेट कर लेते हैं तीन मेट्रिस एक मेट्रिक्स लेते हैं टू माइनस वन थ्री जीरो बी मैट्रिक्स यहाँ डिफाइन करते हैं जीरो थ्री वन वन एंड सी द ब्रैकेट इट मीन आपने सबसे पहले क्या करना है एक को बी से मल्टीप्लाई करने जब एक को बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर हम जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों दो रोस को हमें फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है इट मींस टू मल्टीप्लाई जीरो प्लस थ्री मल्टीप्लाई थ्री सिमिलरली माइनस वॉट मल्टीप्लाई जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई थ्री अब आपने इन दोनों रोज को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है टू मल्टीप्लाई वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन सिमिलरली माइनस वल्टीप्लाई वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई वन आगे आपने सी मैट्रिक्स लिखना है क्योंकि अभी हमने उसको से मल्टीप्लाई नहीं किया नेक्स्ट आप यहाँ पे जीरो प्लस नाइन जीरो प्लस माइनस वन प्लस जीरो आप सी मैट्रिक्स यहाँ पर लिखें टू माइनस वन टू जीरो अब आप इन दोनों मैट्रिक्स में जो सिम्प्लीप्लाई हो रही है इसको सिम्प्लीप्लाई करें और लेकिन हमें अभी नजर आ रहा है कि हमने इस मैट्रिक्स को लास्ट वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करना है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम इस मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिलेगा ठीक है नाइन को टू से मल्टीप्लाई करें एंड फाइव को माइनस वन से सिमिलरली जीरो को टू से मल्टीप्लाई करें एंड माइनस वन को माइनस वन से अब आप दोनों रोज को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें नाइन मल्टीप्लाई टू प्लस फाइव मल्टीप्लाई जीरो सिमिलरली जीरो मल्टीप्लाई टू प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें एटीन माइनस फाइव जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है एटीन प्लस जीरो एंड जीरो प्लस जीरो यू विल गेट थर्टी वन एटीन एन जीरो मार्क कर लेते हैं हमने एसोसिएटिव लाजी अभी फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है ए पॉइंट टू बी सी ए टू बी सी का मतलब है अब हमें पहले ए की वैल्यू पुट करनी है विच इज टू माइनस वन थ्री जीरो और जो बी की वैल्यू थी वो हमें गिवन थी जीरो थ्री वन वन प्रीवियस स्लाइड्स पे हमने लिखी हुई है और टू माइनस वन एंड टू जीरो अब हमने इन दोनों का पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो दो यहां पे गिवन है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना तो ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अब जब आप आंसर को फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं जीरो मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई माइनस वन सिमिलरली थ्री मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई माइनस वन अब इन दोनों ने उसको आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई तो जीरो मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई जीरो एंड थ्री मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई जीरो नेक्स्ट टू माइनस वन थ्री जीरो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं ठीक है टू जीरो 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 माइनस वन इज माइनस वन थ्री टू से माइनस वन इज फाइव नेक्स्ट जीरो प्लस जीरो इज जीरो सिक्स सिक्स प्लस जीरो इज जीरो हमें यहाँ डायरेक्ट लिख लिया ठीक है अब जो इससे नेक्स्ट सोल्यूशन है हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं और यहाँ सॉल्व कर लेंगे ठीक है अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को जो लास्ट स्टेप में आई हैं इनको आगे मल्टीप्लाई करते हैं जरा मल्टीप्लीकेशन से देखें आंसर क्या आएगा टू मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई फाइव सिमिलरली माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई फाइव नेक्स्ट आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है टू मल्टीप्लाई जीरो प्लस थ्री मल्टीप्लाय सिक्स नेक्स्ट हमें नजर आ रहा है कि आ, हमने माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है जीरो से प्लस जीरो मल्टीप्लाई सिक्स ठीक है अब इन सब वैल्यूज को जो पॉसिबल कैलकुलेशन कैल्कुलेशन के थ्रो सॉल्व करते हैं तो टू वन ज टू माइनस टू प्लस फिफ्टीन इज थर्टीन जीरो प्लस सिक्स थ्री एटीन होगा इसका मतलब है जीरो प्लस एटीन इज एटीन माइनस वन प्लस जीरो इज अगेन माइनस वन एंड माइनस माइनस प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो प्लस जीरो, इस जीरो आप इस को को मार्क कर दें अब जरा कंपेयर करें वन एंड टू को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं फॉर्म वन एंड टू अगर आप वन और टू को कम्पेयर करें तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है दोनों वैल्यूज सेम आ रही है देखिए यहाँ पे भी थर्टीन है और यहाँ पे भी थर्टीन है सिमिलर यहाँ पे भी एटीन है यहाँ पे भी एटीन है यहाँ वन है यहाँ वन है सिमिलर यहाँ जीरो है यहाँ जीरो है इसका मतलब ये दोनों मेट्रोस इक्वल आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है व्हाट इज लेफ्ट हैंड हैंड साइड लेफ्ट साइड इज एक्चुअली जस्ट हम ऐसा करते हैं ए बी की फॉर्म में लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपके पास थी ए बी एंड टू सी राइट हैंड साइड क्या है

होल्ड ठीक है और एसोसिएटिव लॉ मेट्रिक में अंडर मेटिफिकेशन भी होल्ड करता है और अंडर एडिशन भी होल्ड करता है असाइनमेंट फॉर यू यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इज इन योर असाइनमेंट एंड यू विल चेक दैट इन ऑल ऑफ थ्री पार्ट्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स